नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने नोटिस के जवाब और उसकी शब्दावली पर उठाए हैं सवाल। नोटिस को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस की शब्दावली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नहीं है। हालांकि मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है, नोटिस में लगे आरोप आधारहीन हैं। मैंने हमेशा संगठन की मजबूती के लिए काम किया है, कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की भी उन्होंने अपील की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिवाली तक इंतजार भी करें। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला कल सिरसा में पहुंचे थे और अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देख करके दुष्यंत चौटाला गदगद दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैंने दे दिया है और आगामी कदम के लिए दिवाली तक उनको इंतजार करना होगा। सांसद दुष्यंत चौटाला ने नोटिस की शब्दावली को लेकर के हैरानी भी जताई और कहा कि जो शब्द उसमें लिखे हुए हैं वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नहीं हो सकते। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संगठन को कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब वे दे चुके हैं और अनुशासन समिति कुछ भी उनसे पूछेगी तो वे जवाब देने के लिए दोबारा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मेरी संगठन के लिए ड्यूटी लगाई गई है, मैंने मेहनत कर संगठन को हमेशा मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने बखूबी उसे निभाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के लिए भी अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कुछ भी ना लिखें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी कहा गया तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट अमर सिंह ज्ञानी के साथ। पिछले दिनों नोटिस की बात आई थी और मैंने दिल्ली भी हिसार भी एक आग्रह किया था सबसे कि अगर कोई नोटिस आएगा तो नोटिस मेरे को आएगा और उस नोटिस का मैं जवाब दूं। मेरे पास नोटिस भी आ गया और मैंने चौटाला साहब के समक्ष अपना पक्ष भी रखने का काम किया। जहां निर्णय चौटाला साहब के हाथ में है, मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी अपना स्वयं बनाकर रखिए और फैसला किसी प्रकार का निर्णय भी पार्टी की ओर से है। मैंने तो जब से होश संभाला है 2009 के अंदर चौटाला साहब ने मेरे को सबसे पहले महेंद्रगढ़ का इंडिपेंडेंट प्रभारी बना के भेजा। अब नौ और उस मेहनत में चौटाला साहब ने भी आप सबको इस समान दिवस पर जवाब दिया कि आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं की बदौलत आज संगठन पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ। और मैं तो आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि एक सच्चा सिपाही होने के नाते उससे भी दुगनी मेहनत से आने वाले समय में संगठन की मजबूती के लिए जरूर हम सब प्रयास करेंगे। मगर मुझे तो खुद पूर्ण विश्वास नहीं होता कि जो लैंग्वेज उस पत्र की वो कहीं चौटाला साहब द्वारा डिक्टेट करेगी। उस पत्र में तो ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि मैंने संगठन के ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया। सिरसा में तो मेरी लिमिटेड जिम्मेवारी लगी और जहां लगी है मेरे ख्याल से डवाली के साथी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काला वाली रानिया के अंदर भी और इलाहाबाद के अंदर भी जिला परिषद चुनाव में मुझे जाने का मौका मिला। पिछले समान दिवस में सिरसा विधानसभा में भी मैं प्रभारी था और हमने एक एक गांव बड़ी मजबूती के साथ कवर की। जहां ढांचा तोड़ने वाली बात कही गई, मुझे लगता है ये कुछ लोग जो इस संगठन के ढांचे को भी तोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं,
जब सुनामी आती है तो किसी एक पानी के बूंद को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। सुनामी को असलियत में जानने के लिए तो समुद्र के अंदर जहां भूकंप आया है उसकी गहराई नापनी पड़ती है। और बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि जो भी निर्णय चौटाला साहब ले वो शर्माते, मगर हमने अपना पक्ष पूरी तौर पर उनके आगे स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कमेटी बनाई जाएगी, वो जवाब मांगेगी, उनके आगे भी हम तथ्य रखेंगे। फैसला कुछ भी आए, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे परिवार के भी, इस पार्टी के भी और इस घर के भी मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और किसी ने उनके प्रति कुछ लिखने का काम किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा हमें उनकी हर कई बात का मान सम्मान करना पड़े। डॉक्टर साहब दिवाली से पहले आ रहे, हमने हमारा पक्ष उनके समक्ष भी रख दिया, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिवाली तक इंतजार कर। मगर मैं आपको एक चीज जरूर आज बोलना चाहूंगा कि जो आपका हौसला है, भरोसा है, उसको इसी तरह अटल रखने का काम आपने करना है। ये मेरा विश्वास कर लेना कि आपके भरोसे पे 1% भी टूटने नहीं।